नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग की खबरें सुपर फास्ट में। खबरें सुपर फास्ट के प्रायोजक हैं NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, बुधिया बगान, गोकुल रेस्टोरेंट, कैलाश पेपर कन्वर्सन, जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड और लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति की ऊर्जा ने हमेशा देश को संभाला है और यही ऊर्जा इस दशक को भी संभालेगी। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में हुई दुर्घटना पर जताया शोक, कहा दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के हैं साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मोदी सरकार ने देश की समस्याओं को समझा और बदलाव किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिहमार ने झारखंड के सभी नव निर्वाचित मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, लातेहार जिला मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर पिछड़ा, अधिकारी संवेदनशील बने। झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार को धोखाधड़ी मामले में किया सस्पेंड। जल संसाधन विभाग के नए अभियंता प्रमुख की होड़ में नागेश मिश्रा, अनुभव की है भारी कमी। रांची नगर निगम के टाउन प्लानर 2 मनोज कुमार ने मोदी हाइट्स के निर्माण संबंधी कागजातों की मांग की, 2012 से हो रहा है निर्माण। बहुजन क्रांति मोर्चा का CAA और NRC के विरोध में देशव्यापी बंद, रांची में असर नहीं। जामताड़ा जिले से करोड़पति साइबर अपराधी टिंकू मंडल पुलिस की गिरफ्त में। झारखंड के गढ़वा में एक बार फिर आवासीय बालिका विद्यालय की 9वीं कक्षा की बच्ची हुई गर्भवती, मचा हड़कंप। DHFL मामले में इंडिया बुल्स कंपनी ने खटखटाया NCLT का दरवाजा। सरजील इमाम की गिरफ्तारी के बाद सभी राजनीतिक दल अपना चेहरा चमकाने में जुटे। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। दिल्ली में एक ऑटो चालक से पुलिस ने आई लव यू केजरीवाल के पोस्टर लगाने पर वसूला 10,000 का जुर्माना। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।